सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ान भरने का, तो देखना फिजूल है कद इस आसमान का। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो कभी गिरने का खौफ नहीं रखते। आज का पंचांग 26 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 7:46 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 3:40 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर ही रहेंगे। मिथुन राशि 26 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार, आज रोमांस में कुछ समस्याएं आ सकती है। आप आज अकेला और तन्हा महसूस कर सकती हैं। अगर जरूरी हो तो अपनी सेहत और व्यावसायिक जीवन को प्राथमिकता देने के लिए ब्रेक लें। आपके प्रयासों और प्रतिभा को पहचान मिल रही है। रैंक में विकास और प्रतिष्ठा का पूरा मजा उठाएं। कार्य में योगदान और उपस्थिति के लिए आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आपके उत्साह के कारण आपके काम और भी बेहतर होंगे। अपने कार्य और करियर में ध्यान केंद्रित करने के लिए यह सर्वोत्तम समय हो सकता है। मामूली मुद्दों की जगह उन विषयों पर अपना ध्यान को केंद्रित करें जिनका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे अधिक है। आज स्वयं को भौतिक चीजों के मोह में फंसा हुआ भी अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कसकर ना पकड़े, बहाव के साथ बहना ही उपयुक्त है। सहज बने रहें, जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते अपना नजरिया दृढ़ ही रखें। दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना भी सही रहेगा। बच्चे भविष्य की योजनाएं बनाने की अपेक्षा घर से बाहर ज्यादा समय बिताकर आपको निराश भी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी और जिंदादिली प्यार में जादू करने की कामकाज के नजरिए से आज के दिन वाकई सुचारू रूप से चलेगा। जीवन का आनंद लेने के लिए आपको अपने दोस्तों को भी समय देना चाहिए। अगर आप समाज से कटकर रहेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ भी कोई नहीं होगा। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश है तो आज के दिन आप हालात बेहतर होते हुए महसूस कर सकते हैं। कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हिम्मत ना हारे और इच्छित फल पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। इन नाकामियों को तरक्की का आधार बनाएं। मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार ही काम आएंगे। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में बढ़ोतरी करेगा। सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, इसे समझे और उसके अनुकूल परिणामों को ध्यान में रखें। सकारात्मक पहलू को संक्षिप्त और समर्थित करने का प्रयास करते हुए उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करें। आज जब किसी भी योजना को बना रहे हैं तो उसमें सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को भी ध्यान से देखें और इन पर विचार भी करें, उसके बाद ही क्रियान्वित करें। इससे आपको अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से आपका मान सम्मान और साख भी बनी रहेगी। मन के विरुद्ध लिए गए निर्णय की वजह से तनाव और पछतावा भी आज आपको हो सकता है। आपको निर्णय पर टिके रहना होगा। परिवार के लोगों के साथ विवाद होने की भी संभावना बन रही है। आर्थिक रूप से किसी भी व्यक्ति पर निर्भरता ना बने, इस बात का ध्यान रखें। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी काम मर्जी के अनुसार ना होने से निराशा रहेगी। अगर रिलेशनशिप आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है तो इस रिलेशनशिप के बारे में विचार जरूर करें। सावधानियां, जल्दबाजी और लापरवाही में लिए गए निर्णय भी आज गलत हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर भी वाद विवाद की स्थिति में ना पड़े।
किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में बिल्कुल न आए। बात करते हैं लव लाइफ की। आज रोमांस में इस समस्या आपके रिश्ते में दूरियां भी ला सकती है। गलत फहमियां होना बहुत ही सामान्य है, बस उन्हें जल्दी दूर कर लें। आप जानते हैं कि आपके साथी को आपकी फिक्र है और वो हर तरह से आपकी मदद करना चाहते हैं। दोस्तों या भाई बहनों की कंपनियां आपको आज राहत पहुंचाएगी। आज फालतू के मामलों में ना फंसी, जो काम जरूरी है उन्हीं पर ध्यान दे। साथी की तलाश है तो थोड़ा इंतजार जरूर करे, क्योंकि शवर का फल मीठा होता है। विवाहित है तो आज आपको रोमांस के वो पल मिलने वाले हैं जिनका इंतजार था। इन पलों का खुले दिल से स्वागत करें ताकि इन्हें और भी खास बना सके। आज आपके लिए प्यार और रोमांस जोखिम भरे भी साबित हो सकते हैं। आप आज ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे जो धूर्त नहीं है और केवल गंभीर और सच्चे रिश्ते में यकीन रखता है, लेकिन आपको इस आदमी के साथ रोमांटिक तरीके से नहीं जुड़ना है। पहले इस आदमी से दोस्ती करके उन्हें यह जताने की कोशिश करें कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। उनको अच्छे से जान लें और उन्हें भी जानने का मौका जरूर दें। बात करते हैं करियर की। आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। यह अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको आज दी जा सकती है, जो कि आपके करियर की प्रगति के लिए नए दरवाजे और आयाम भी खोलेगी। आय में भी वृद्धि की संभावना है। आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पित और ध्यान को बढ़ाने की भी आज जरूरत है। बात करते हैं करियर की। अपने कार्य और कौशल का मूल्यांकन करने के बाद आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। याद रखें, अपने सपनों का अनुसरण करने से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आज का वक्त शुभ है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होगा। कड़ी मेहनत आज आपको हैरान कर देगी। अपने काम और सेहत दोनों पर ध्यान रखें। ऊर्जा प्रशंसा की जननी है और इसके बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अपने व्यवसाय की कार्य प्रणाली को मानकर सुधार करें। उत्पादन प्रक्रिया की समीक्षा, कार्य का पुनर विन्यास और कार्य प्रणाली में तकनीकी उन्नति, नवीनतम तंत्रिका का उपयोग करके कार्य प्रणाली में अध्ययनरत और सुधार को प्रोत्साहित करें। उचित तकनीकी सहायता से आप अपने कार्य को अधिक प्रभावी और तेज भी आज बना सकते हैं। अधिक काम के बजाय कार्य जीवन संतुलन को महत्व दें। अधिक काम करने से नहीं बल्कि स्मार्ट काम करके ही अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अपने कर्मचारियों के साथ सहयोग और साझेदारी को महत्व दें। उन्हें आत्मनिर्भरता के लिए अधिक स्वतंत्रता और उत्साह प्रदान करें। बात करते हैं सेहत की। आप ऐसे पार्टनर की तलाश करें जो आपको स्वस्थ आदतें बांटने के लिए तैयार जो आपके साथ स्वस्थ आदतें बांटने के लिए तैयार हो। ऐसे लोगों से सावधान रहे जो आपकी बात सुने बिना ही केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। वह अपने कायदे के लिए आपको बेवकूफ बनाकर भावनात्मक रूप से आपको प्रयोग करना चाहते हैं। अगर वे अपनी हद से गुजर जाए तो आपको भी उनसे अलग हो जाना चाहिए। आज का उपाय, आज माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।